हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का पाठ पाँच। इस पाठ का नाम है हाजिर जवाब बीरबल। इस पाठ में बताया गया है कि बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और सूझबूझ ने ही उन्हें बादशाह अकबर का प्रिय बना दिया था। अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाऊंगी। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। सम्राट क्या होता है? राजा, जिन्हें वे नवरत्न कहकर पुकारते थे। ये सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते थे। विशिष्ट हो गया विशेष। इन्हीं नवरत्नों में एक मंत्री बीरबल भी थे। अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। बीरबल भी बहुत ही विद्वान और हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब हो गया तुरंत जवाब देने वाला। एक दिन भी बीरबल की अनुपस्थिति अकबर को बहुत खलती थी। एक दिन की बात है, एक राजकर्मचारी दरबार में देरी से आया तो अकबर ने उससे देरी से आने का कारण पूछा। उसने कहा, महाराज मेरा बेटा जिद कर रहा था। जिद हो गया हट करना, जिससे मुझे आने में देर हो गई। मेरा अपराध क्षमा करें। अब क्षमा यानी कि माफ़ करें। इसकी बात सुन अकबर को बहुत क्रोध आया। वे बोले, हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं, भला बच्चे की जिद भी देरी से आने का कोई कारण है? बेचारा कर्मचारी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, पर बादशाह अकबर अपनी बात पर अड़े रहे। बीरबल को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भी बादशाह से उस राज कर्मचारी को माफ़ करने की विनती की। विनती यानी कि निवेदन किया, गुजारिश की, किंतु अकबर नहीं माने। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम कहते हो कि बाल हट के आगे कोई जीत नहीं सकता तो मेरे सामने ये सिद्ध करके दिखाओ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसी बच्चे की जिद इतनी बड़ी हो कैसे हो सकती है कि उसके आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़े। बीरबल बोले, ठीक है महाराज, अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया तो आप उस कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। अकबर इसके लिए तैयार हो गए। बीरबल बोले, अच्छा आप पिता बन जाइए और मैं बच्चा बन जाता हूँ, फिर देखते हैं कि किसको झुकना पड़ता है। बादशाह अकबर को बात में मज़ा आने लगा। बीरबल स्वयं बच्चे का अभिनय करते हुए बोले कि मैं एक मिट्टी का लोटा लूँगा। राजा का संकेत मिलते ही मिट्टी का लोटा आ गया, किंतु बीरबल की हठ यहीं समाप्त नहीं हुई। वे रोने का नाटक करते हुए बोले कि मैं तो हाथी लूँगा। बादशाह ने पल भर में हाथी भी मंगवा लिया। पल भर हो गया कि तुरंत, किंतु बीरबल थे कि अब भी रोए जा रहे थे। अब अकबर थोड़ा झुलझुलाए और बोले, अब क्या हुआ? झुलझुलाए यानी कि क्रोध में चिल्लाना यानी चिढ़ना। बीरबल मचलते हुए बोले, लोटे में हाथी डाल दो। क्या हाथी लोटे में? अकबर ने हैरानी से पूछा यानी कि आश्चर्य से पूछा। हाँ हाथी को लोटे में डालो, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। अब तो बादशाह अकबर चकरा गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली यानी कि मान ली। करते हुए कहा, अच्छा बीरबल हम हार गए, हम इस कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रखते हैं। ये सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और कर्मचारी ने राहत की सांस ली यानी कि चैन की सांस ली। आगे है अभ्यास के लिए। श्रुतलेख, सम्राट, मुख्यमंत्री, नवरत्न, विद्वान, कर्मचारी, अपराध, सिद्ध, बादशाह, अभिनय स्वीकार। उसके आगे हैं मुख से। क पाठ, अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? इसका उत्तर है, अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। आगे है ख, राज कर्मचारी ने अकबर को देर से आने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, राज कर्मचारी ने अकबर को बताया कि मेरा बेटा जिद कर रहा था।
तभी मुझे दरबार में आने से देर हो गई। आगे है ग पाठ। अकबर ने बीरबल के सामने क्या शर्त रखी? इसका उत्तर है, अकबर ने बीरबल के सामने यह शर्त रखी कि अगर उसने ये सिद्ध कर दिया कि बच्चों की जिद बड़ी होती है और उसके आगे बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है, तो मैं उस कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालूंगा। ग पाठ। बच्चे का अभिनय करते हुए बीरबल ने अकबर को हार मानने पर कैसे विवश किया? उत्तर है, बच्चे का अभिनय करते हुए जब बीरबल ने अकबर से लोटे में हाथी डालने की जिद की तो बादशाह अकबर चकरा गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। आगे है कलम से। क, अकबर कौन था? मुगल सम्राट, राजपूत शासक, मराठा पेशवा। इसका सही उत्तर है, मुगल सम्राट। ख, बीरबल कैसा व्यक्ति था? विद्वान, हाजिर जवाब या दोनों। इसका सही उत्तर है, दोनों। ग, बच्चा बनकर बीरबल ने अकबर से पहले क्या मांगा? मिट्टी का लोटा, सोने की थाली, चांदी की कटोरी। इसका सही उत्तर है, मिट्टी का लोटा। ग, बीरबल ने लोटे में क्या डालने की जिद की? हाथी को, गधे को, घोड़े को। इसका सही उत्तर है, हाथी को। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, अकबर किसे नवरत्न कहकर पुकारता था? उत्तर है, अकबर अपने 9 मुख्यमंत्रियों को नवरत्न कहकर पुकारता था। अकबर को किसकी अनुपस्थिति खलती थी? उत्तर है, अकबर को बीरबल की अनुपस्थिति खलती थी। ग पाठ। अकबर ने राज कर्मचारी को नौकरी से क्यों निकाल दिया? उत्तर है, अकबर ने राज कर्मचारी को नौकरी से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसे दरबार में आने में देर हो गई थी। ग पाठ। बीरबल की कौन सी जिद ने अकबर को चकरा दिया? लोटे में हाथी डालने वाली बीरबल की जिद ने अकबर को चकरा दिया था। नव पाठ। राज कर्मचारी ने राहत की सांस कब ली? उत्तर है, जब अकबर ने कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रख लिया तो कर्म जब अकबर ने कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रख लिया तब कर्मचारी ने राहत की सांस ली। आगे है भाषा और व्याकरण। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ, जैसे म उ ग अ ल अ, क्या बन गया? मुगल। यहाँ पे खालिस्तान में लिखना है। आगे है ब ई द ब अ न अ, क्या बन गया? विद्वान। आगे ग है न ओ क अ र ई, बन गया नौकरी। आगे है क अ र म अच आ ई आर ई, क्या बन गया? कर्मचारी। उसके आगे है, किसी भी नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं। नाम शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम अकबर आदि, पशु पक्षी का नाम हाथी तोता आदि, वस्तु का नाम लोटा आदि, स्थान का नाम दरबार आदि। आगे है, दिए गए नाम वाले शब्दों को सही स्थान पर लिखो। यहाँ पे दिया गया है व्यक्ति का नाम, तो इनमें से जो बॉक्स दिया गया है इनमें से व्यक्तियों के नाम चुनकर इधर खाली स्थान में भरने हैं। कौन कौन से है व्यक्तियों के नाम? बीरबल और राजीव। वस्तु का नाम थाली, कुर्सी, ये है वस्तु। पशु पक्षी के नाम गाय, कौवा। स्थान का नाम शहर, घर। आगे हैं, दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाओ, जैसे क पाठ में दिया गया है मुख्य जमा मंत्री, क्या बन गया? मुख्यमंत्री। क में नव जमा रतन, क्या बन गया? नवरतन। वी जमा शिष्ट, बन गया विशिष्ट। ग पाठ। प्र जमा सन, बन गया प्रसन्न। आगे न पाठ है महा जमा राज, बन गया महाराज। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो, जैसे ये दब दिया गया है उससे शब्द बनाने हैं, जैसे इन्होंने दिए हैं एक एक उदाहरण, विद्वान, द्वेष, द्वार। आगे द ध, जैसे सिद्ध। आगे आपने दो दो वर्ड बनाने हैं और खालिस्तान में लिखने हैं, जैसे बुद्धि और शुद्ध।
तो ये था हमारा कक्षा तीसरी का पार्ट 5। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।